देखिए जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है, अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले पूजा भी किया, जन्मदिन यह होता है कि हमको आज से कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। और देव ने बहुत ही अच्छा सीखा कि अपने केक पर बोला अपना नाम नहीं लिखाना है, मुझे जय श्री राम लिखना है। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि यह हिंदू राष्ट्र अभी यह शुरू हो गया, एक बच्चे के मन में भी यही आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हमारा बेटा कहता है आपके आपसे आगे जाना है। पंडित जी विशेष ये जानना चाहेंगे कि ना मोमबत्ती बुझाई आपने, ना बच्चे का नाम पब्लिक में अनाउंस किया और चुपचाप जय श्री राम लेके आपने केक काट दिया। कहते हैं राम और राम, रा और माँ, राम में पूरी सृष्टि ही समाई है, जगत में ही राम है, तो मैं उनसे अछूता नहीं हूँ। मैं इसीलिए कहा कि और बच्चे का नाम जो भगवान ने मुझे श्रावण मास में भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनका नामकरण हमने शिवाय रखा है क्योंकि श्रावण के सोमवार में हुए हैं और इनका देव है वो शिवाय हैं, बेटी मेरी काव्या है, तो पत्नी का नाम दीपिका है, हमारा नाम सुरेश गुरु ओझा है, तो भगवान से ही संबंधित है, सब शंकर के ही परिवार हैं और यह महादेव की कृपा है, राम जी की कृपा है कि उनकी कृपा से यह सब हमारे जीवन में संभव हो रहा। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, भगवान से प्यार करने वाले हैं, मैं उनका जब तक जिंदा रहूँगा तब तक बहुत बहुत धन्यवाद देता रहूँगा और यही कहूँगा कि आप और हमारा प्रेम इस तरह बना रहे कि हम सभी ऐसे हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन धर्म को आगे लेकर चलें और अच्छे मार्गों पर अपने संतान को जरूर अच्छे संस्कार दें। देव आप कितने सावन देख चुके हैं अभी तक? अभी इनका एकादश हो गया है यानी 11 11 श्रावण हो गया और 11 हमारे हिंदू सनातन धर्म में शुभ होता है। इन्होंने 11 से शुरू किया कि जय श्री राम केक पर लिखना है और केक को वह जय श्री राम को काटना नहीं है, थोड़ा सा छूना है और अपना नाम नहीं लिखा है, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। पंडित जी बात की जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिल्म से लेके राजनेता से लेके हर कोई जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा मेन लोग आए कुछ नाम बताना चाहेंगे? जैसे फूल सिंह जी थे और स्मिता दुबे थी जो भाभी जी घर पर है सीरियल, और संजय भूषण पटियाला पीआरओ भोजपुरी हिंदी सिनेमा के बहुत अच्छे पीआरओ, भोजपुरी नाटन के हैं हमारे बहुत अच्छे, और समाचार पत्र भयंकर सत्ता के राजदेव तिवारी जी हैं, अरुण उपाध्याय जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। राजनीति में तो बहुत सारे लोग आए, कितना गिनाएंगे, हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे और आपके पास समय। सबसे पहला बधाई किसका आया? सबसे पहला बधाई आया हमारे मीरा भयंदर के उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह जी आए थे, और डीके पांडे जी मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, महेंद्र पांडे जी हैं सो भूमि के पत्रकार हैं, कमलेश दुबे जी, पहला बधाई देने आप लोग ही आए। हमारे बच्चे को जब से पैदा हुआ, पैदा होने से पहले मैंने नारायण से कहा था भगवान अगर मुझे संतान हुआ तो वह जो है हमारे रास्ते चलेगा और हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए यानी श्रीमद् भागवत महापुराण, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाना है संगीत में जा ताकि हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाए। बच्चे से बात करते हैं, बाबू आपका पूरा नाम क्या है? देव सुरेश चंद गुरु ओझा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। मम्मी का क्या नाम है? दीपिका ओझा। पंडित जी बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? भागवताचार। मतलब पंडित जी जो काम करते वही आप भी करना चाहते हो? हाँ। और किसी चीज में आपको रुचि नहीं है? वजह क्या है? वजह मतलब ये है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं अपने केक पे जय श्री राम ही लिखवाऊंगा? अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया आपने? क्योंकि नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता। आजकल के जो आयु के जो बच्चे होते हैं वो अपना नाम लिखवाते हैं, बड़े होटल में जाते हैं और अलग तरीके से सुपर हीरो का नाम लिखवाते हैं। सुपर हीरो का नाम लिखवाते हैं। सुपर हीरो का भी नाम लिखवाते हैं? आपके सुपर हीरो जैसे नाम है? हाँ। फर्स्ट टाइम आपने हमको लगता है कि कैमरा फेस किया है, जो आपको जन्मदिन की बधाई दिए हैं, जो मच गए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका।